ये मेरी मम्मी है डायली देवी मेघवाल और ये मेरी बहन है ललिता मेघवाल जो अभी प्रेग्नेंट है। तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, FIR दर्ज हो चुकी थी, उसके बाद में भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई और ये लोग जबरदस्ती घर में घुसे हैं जो इस वीडियो में आ रहा है। मेरी मम्मी के साथ में मारपीट की गई, उनके सर में लकड़ी से मारा गया जिसका सर फट गया है, मेरी बहन के भी पैरों पर मारा गया है। ये अभी गर्भ की है, अभी देख लो आप, ये प्रेग्नेंट है ये। और अभी धमकी दी है कि घर छोड़ के चले जाओ, मार देंगे, मारे क्या, ये मार तो रहे हैं सरकार से। सरकार को इतना आग्रह करने के बाद भी अभी तक पुलिस प्रशासन ने उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है। अगर गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हम अपना ये घर बार छोड़ के चले जाएंगे और मर जाएंगे, क्योंकि घर में घुस के लोग हमें मार रहे हैं। गांव के ठाकुर राजपूत दलित मेघवाल समाज के ऊपर हत्या कर रहे हैं। अगर मैं पढ़ा लिखा एक खुद एक दलित एक्टिविस्ट हूँ और मेरे परिवार के साथ अगर ऐसा अत्याचार हो सकता है तो फिर जो गांव में के अन्य दलित हैं पर उनके साथ में कितना अत्याचार होता होगा। इसलिए मैंने खुद वीडियो बनाया है ताकि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि कोई गवाही नहीं देता है। मैंने चुपके से वीडियो बनाया है ताकि पुलिस प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई कर सके। पूरे गांव के लोग इन राजपूतों से डरते हैं। देखिए आज किस तरह से घर में घुस के उन्होंने दादागिरी की है और मेरी बहन ललिता मेघवाल और डायली देवी मेघवाल के साथ में उन्होंने कितनी मारपीट की है। उनका छोने का जो गला में था वो लूट लिया, चांदी का कमर में था वो भी लूट लिया। एक प्रकार से कितना शोषण हो रहा है। अशोक गहलोत, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो भी सामाजिक एक्टिविस्ट हैं और जो नेता हैं पुलिस प्रशासन ने अगर उसे नहीं किया तो हम लोग ये अपना गांव छोड़कर अपनी माँ के साथ में, क्योंकि मैं खुद अपनी पढ़ाई छोड़ के इन लोगों के पास आया हूँ ताकि इनके कुछ हो ना। लेकिन इतना होने के बाद में मुझे बहुत पीड़ित हूँ। मैं इतना मन कर रहा है कि हम लोग मर जाए, ऐसा हमारे साथ। पाली जिले के रोड थाना इलाके के सियाणा गांव में अशोक कुमार मेघवाल द्वारा 14 मार्च को एक ट्वीट किया गया। उस ट्वीट के आधार पर उसको संपर्क करके उसे एक लिखित रिपोर्ट प्राप्त की गई जिस पर रोहड़ थाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रकरण का अनुसंधान पुलिस उप अधीक्षक पाली ग्रामीण कर रहे हैं और उस रिपोर्ट में प्रार्थी ने यह अवगत कराया था कि उसे गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों से जानमाल का खतरा है। इस कारण से थानाधिकारी की तरफ से 18 मार्च को एक इस्तगासा तैयार करके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया जिसमें समन जारी होके 12 लोग तामील हो चुकी है, 12 लोगों को, और उनकी पाबंद होने की तारीख 22 मार्च नियत है। इसी क्रम में कल दिनांक 19 मार्च को पुलिस उप अधीक्षक पाली ग्रामीण और थानाधिकारी 15 मार्च को दर्ज प्रकरण के अनुसंधान के क्रम में सियाणा गांव में गए थे और अनुसंधान करके वापस वो आ चुके थे। अनुसंधान के दौरान कल की जो घटना घटी थी उसके बारे में अशोक कुमार की तरफ से पुलिस उप अधीक्षक को कुछ बताया नहीं गया और दोपहर बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ शाम के समय हमें पता चला, तुरंत पुलिस उप अधीक्षक थानाधिकारी इनको मौके पर भेजा और पीड़ित की रिपोर्ट पर पुनः एक नया अपराध पंजीबद्ध किया गया। देर रात इसमें जो भी अपराधी थे उनमें से 4 लोगों को डिटेन किया और आज प्रारंभिक पूछताछ के बाद में उनकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। शेष अपराधी अपनी सघनता से फरार।